स्कूल में आरओ वाटर फिल्टर लगाने का झांसा देकर ठग ने शिक्षक के खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहनगढ़ प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक के खाते से साइबर ठगों ने करीब 1 लाख रुपए उड़ा लिया। मोबाइल पर आए मैसेज में रुपए निकासी की जानकारी पर शिक्षक ने पिछोर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्कूल में आरओ वाटर फिल्टर मशीन लगाने का झांसा देकर की ठगी। जानकारी के अनुसार मोहनगढ़ प्राथमिक स्कूल में पदस्थ राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि गांव के सरपंच बलवीर का उसके पास फोन आया। सरपंच ने कहा कि आपके स्कूल में आरओ वाटर फिल्टर मशीन लगाने आ रही है, मैंने आपका नंबर कंपनी वालों को दे दिया है, आप बात कर लेना। इसके बाद मेरे नंबर पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने लेबर को पैसे देने का मुझसे बोला तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति अज्ञात ने मुझसे कहा कि मैं आपको पैसे यूटीआई कर देता हूँ। मैंने अपना यूटीआई अकाउंट उसे दे दिया जिसके बाद ठग ने मुझे बातों में फंसाकर मेरे यूटीआई अकाउंट से 89,999 रुपये उड़ा दिए। ठगी का शिकार हुए शिक्षक राजेंद्र गुप्ता ने अज्ञात ठग और सरपंच की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। कहाँ के हो? पिछोर में रहते हैं, मोहनगढ़ स्कूल पे 75। अच्छा, मोहनगढ़ स्कूल में शिक्षक हैं आप? हाँ। अच्छा, आप थाने आए थे, क्या मामला है? ये मामला है कि सरपंच पल्लवी सरपंच का फोन आया मेरे पास 9 बजे कि आपके स्कूल पे आरो लगने आ रही है पानी की। मैंने उन्हें नंबर दे दिया आपका, आप बात कर लेना है। मैंने बात कर ली हो और उन्हें भगवाती हो। उनका नंबर आया स्कूल पे 2 बजे, करीबन देर 2 बजे नंबर आया तो उनने बोली कि राजेंद्र गुप्ता मोहन कहते फूल रहे हो आप, हमें पर भी करीबन कनौजा भवन ने पहुँचाया है और आपके स्कूल पे आरओ का पानी लगना है। हाँ, आरओ का प्लांट लगना है। हाँ, लगना है। और लेबर आ रही है तो उन्हें रुपए देना है। मिलते मैं रुपए नहीं दूंगा, एवन रुपए दे मैं क्यों दूंगा? कह दीजिए आपके फोन पे में मैं रुपए कहे देता हूँ, आप इन्हें रुपए दे देना। मिलते हाओ तो वह फोन पे मेरा नंबर ले लिया और मैं नंबर थे UPI नंबर थे 89,000 और 999। अच्छा, तो चार्जन कर लिए, पैसे निकाल लिए। हाँ। तो अच्छा, फ्रॉड चालू है अभी, धोखाधड़ी हुई आपके साथ? हाँ, धोखाधड़ी हुई है। हाँ। तो सरपंच की मिली भगत से? हाँ, सरपंच ने ही करवाई ना। अच्छा, तो आप थाने आए थे? हाँ। काहे के लिए? सरपंच की रिपोर्ट है बस।